हमारी संस्था अजमेर की एक 1907 से संचालित पुष्कर गौरी पशुशाला में आके जो अभी लंपी ग्रसित गायें हैं उनके उपचार में अपना योगदान दे रही हैं, सहयोग कर रही हैं। सबसे पहले तो जनता, आम जनता से हमारी अपील है कि या तो हमारे साथ जुड़ें या आपको कहीं पे भी कोई भी गाय दिखती है ऐसे बीमारी से ग्रसित, तो आप इससे बिल्कुल इफेक्टेड नहीं होंगे और आप प्लीज़ इनके उपचार में सहयोग दें। उपचार की हर प्रकार की विधि हमारे LSS के द्वारा सब जनहित में जारी है। ये एक गौशाला है जो 1907 से संचालित है, जिसके 4 ब्रांचेज हैं, एक पुष्कर में, पुष्कर रोड पे, ऋषि घाटी पे और एक यहाँ लोहागल में। यहाँ कम से तकरीबन 20-25 गायें लंपी ग्रसित हुई हैं, अब करीब करीब सभी सही हैं, सभी स्वस्थ हैं। हम उन्हीं के उपचार के लिए और बाद में आने वाली उपचार सामग्री को उनको तक पहुँचाने के लिए और उनसे लाभ होने के लिए यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। मैं अदिति, अजय मेरू लेडी सोशल सोसाइटी। आप किस तरह की जो महिलाएं हैं, क्या बनाया है और किस तरह इनका? हमने इनके लिए एक उपचारिक औषधीय लड्डू बनाए हैं, जिसमें हमने घी, काली मिर्ची, हल्दी, मेथी दाना, इस तरीके की और 5-6 सामग्री मिक्स करके इनको दे रहे हैं, जिससे इनका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। एज वेल एज हम आने वाले कुछ दिनों में चापड़ की व्यवस्था करेंगे, जो छोटे छोटे जो बछड़े हैं उनके लिए बड़ी ही लाभप्रद है और जो उनको देंगे तो वो वही खाएंगे, क्योंकि लड्डू जो छोटे बच्चे वो नहीं खा पा रहे हैं तो उनके लिए चापड़ की व्यवस्था की जा रही है। इस तरीके से इनके इम्यून को बूस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है इससे गायों का इम्यून ही माइनस हो रहा है, उसी से वो ना कहते हुए भी कहना पड़ रहा है कि मौत के मुंह में जा रही है। उसको बचाने के लिए, उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए ये औषधियाँ दी जा रही हैं उन्हें। लोगों के लिए क्या आग्रह करना चाहिए आप? लोगों से आग्रह करना चाहूंगी कि आपके आसपास कोई भी आपको ऐसा बाड़ा, गौशाला या आपके घर के पास ही बहुत ही छोटी छोटी सी सामग्रियाँ, आप इन्हें मिलाएं। इनसे नहीं मिला सकते तो खुली ही गाय को खिलाएं या इसकी रोटी बना दें, कैसे भी करें, और आप इनको, इन गायों को दें तो उनको उपचार, स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, आप दें, उनके इम्यून ही बढ़ेगा, क्योंकि ये अभी इस पर पूरी तरीके से हम कहें कि रोकथाम नहीं हुई है या अभी भी इसका वैक्सीन आना भी बाकी है। तो आपको जैसी भी गाय दिखें आप ज़रूर खिलाएं, फिटकर ही अपने घर में रखें, पानी में घोल के रखें, गायों पे छिड़काव करें, गाय भागेंगी आपको पकड़ना लिए, आप अपनी सहूलियत से आप उन पे छिड़काव करते जाएं और उनको इस इन्फेक्शन से दूर रखें। आपकी संस्था में कितनी महिलाएं हैं जो आपके साथ यहां पे आई हैं? तकरीबन हमारी संस्था में 31 महिलाएं हैं और अमूमन सभी आई हैं, सबने ही योगदान दिया है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि सब अपने अपने हाथों से लड्डू बना के खिलाना चाह रही है। व्यवस्था बाहर से भी हो सकती थी लेकिन नहीं, सब अपने ही हाथ से खिला के बना के और गायों को खिलाना चाह रही है। आपने जो गौशाला की हालत देखी, यहाँ पे किस तरह की गायें हैं, क्या व्यवस्था देखी? यहाँ पे जो व्यवस्था है, यहाँ पे बाड़ों का निर्माण अधिकाधिक रूप से हो रखा है। यहाँ पे अंधी गायें भी पाई जाएंगी आपको। यहाँ पे बीमार गायें भी थी जो हमने देखा है, वो काफ़ी स्वस्थ हो गई हैं, अब काफ़ी उनमें रिकवरी है और हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं पुष्कर गौरी पशुशाला का, जिसने ये बहुत अपने लेवल पे अपनी ही गायों को उपचार इतनी जल्दी देने का प्रावधान किया और आज की डेट में करीब करीब सभी गायें स्वस्थ हैं। इसके लिए हम इनके बड़े आभारी हैं। यहाँ पे आपको अंधी गाय भी मिलेंगी, बछड़े भी हैं, गाय भी हैं, हर तबेले में हर तरीके की गायों का उपचार भी चल रहा है। यहाँ पे क्वारंटाइन से भी लोग आके गाय छोड़ के जा रहे हैं, उनका भी ये लोग उपचार कर रहे हैं। हम इनके लिए बड़े ही हम इनको आभार व्यक्त करते हैं कि वो बिना ये सोचे कि गाय इनकी गौशाला की है या कहीं और से आ रही है, तो भी वो उसको उपचार प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि आज हम जब यहाँ पे आए थे तो हमने देखा क्वारंटाइन के वहाँ से कुछ गायें जो मृत गायें थी उनको लाया जा रहा था और आग्रह कर रहे थे कि इन्हें दफनाना है या ऐसा कुछ, तो भी इन्होंने उसकी व्यवस्था करके दी है। इन्होंने उन लोगों को JCB प्राप्त करवाई है, गड्ढे करवा के उन लोगों को, गायों को अच्छे से मुक्ति प्रदान करने की कोशिश करी है। तो हम इनका बड़ा आभार व्यक्त करते हैं और चाहते हैं कि जो ये कार्य कर रहे हैं वो करते जाएं और यहाँ पे सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। जो भी आए वो अपना सहयोग अगर यहाँ देना चाहें तो कृपया दें। आपका नाम? अदिति अग्रवाल, ALSS। अजमेरू सोशल सोसाइटी अजमेर के द्वारा जो लंपी वायरस से गायें ग्रसित हो रही हैं उसके लिए पुष्कर गौशाला के अंदर हम लोगों के द्वारा, अजमेरू सोशल सोसाइटी के द्वारा, औषधीय लड्डुओं का वितरण किया जा रहा है, ताकि गायों को जो लंपी वायरस के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसमें कुछ हम अपना योगदान देना चाह रहे हैं। साथ ही हम आमजन को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि गायों के लिए ये जो हम लोगों ने मुहिम चालू करी है, आप लोग भी हमसे जुड़िए, नहीं तो डायरेक्टली भी आप लोग अपने आसपास की गायों के लिए ये इस तरह के औषधीय लड्डुओं का वितरण कर सकते हैं। आपका नाम? सारिका जी।